गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आजच्या लेक्चरमध्ये विज्ञान भाग दोनमध्ये आपण पाहणार आहोत तिसरा धडा आहे सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग दो, सजीवामधील जीवन प्रक्रिया। तो विज्ञान का साइंस टू में हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इसमें प्रजनन म्हणजे काय, प्रजनन किसे कहते हैं। प्रजनन का मतलब होता है कि आज इस दुनिया में हर एक सजीव क्या करता है, अपने जैसे दूसरे सजीव का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो प्राणी हो चाहे कोई वनस्पति हो, समझ में आ रहा है। तो हर सजीव क्या करता है, अपने जैसा नया सजीव का निर्माण करता है। बट ये प्रजनन अलग अलग तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। प्रजनन म्हणजे काय, जेव्हा एखादा सजीव स्वतः सारखा दुसरा सजीव निर्माण करतो, या क्रियेला प्रजनन असे म्हणतात। जब कोई सजीव अपने जैसा दूसरे सजीव का क्या करता है, निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन मतलब एक सजीव अपने जैसे दूसरे सजीव का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, उसे कहते हैं प्रजनन। इसकी परिभाषा, इसकी व्याख्या किताब से तुम लिख लेना। तो प्रजनन मतलब जेव्हा एखादा सजीव स्वतः सारखा दुसरा सजीवाची काय करतो, निर्मिती करतो, या क्रियेला प्रजनन असे म्हणतात। प्रजनन के प्रकार, प्रजननाचे प्रकार दो प्रकार आहे। पहला प्रकार आहे अलैंगिक प्रजनन, और जो दूसरा प्रकार आहे वो लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले हम देखने वाले अलैंगिक प्रजनन के बारे में। तो यहाँ पे पहला प्रकार है तुम्हारा अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक का मतलब क्या होता है, देखो प्रजनन में दो कोशिकाओं की गरज होती है। प्रजनन होने के लिए दोन पेशींची आवश्यकता असते। अब जैसे पुरुष आणि स्त्री, ठीक आहे, पुरुषामध्ये असते एक्स वाय, स्त्रीमध्ये असते एक्स एक्स। ये एक्स और वाय क्या है, याला म्हणतात गुणसूत्र। काय म्हणतात, गुणसूत्र, हिंदी में कहते गुणसूत्र। अब पुरुष में होते एक्स और वाय होता है, स्त्री में होता है एक्स और एक्स, ठीक है। अब पुरुष का आधा गुणसूत्र और स्त्री का आधा तो मिलते हैं, इसे ये लैंगिक में आता है। पर अलैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन में ऐसा कोई भी गुणसूत्र अलग से आता नहीं है। अलैंगिक मतलब वहाँ पे युग्मानु बनता नहीं है। युग्मानु म्हणजे पू युग्मक और स्त्री युग्मक। पू युग्मक और स्त्री युग्मक जब मिलते हैं तब क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज, म्हणजे युग्मक। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी युग्मक बनता नहीं है। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, जो प्रजनन युग्मानु के निर्माण के बिना होता है उसे अलैंगिक प्रजनन कैसे कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन म्हणजे जे प्रजनन युग्मकाच्या निर्मिती विना होते त्या प्रजनाला अलैंगिक प्रजनन असे म्हणतात। मतलब इसमें कोई पुरुष और स्त्री वाला युग्मक मिलता नहीं, वो अकेले पुरुष है। जैसे इसमें मान लो ये बटाटा है, तो ये बटाटा अपने से ही दूसरा बटाटा बना देगा। आलू कहते हैं, एक आलू दूसरे आलू का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है। बटाटा बटाटी नहीं चाहिए इसको, समझे। तो ये बटाटा बटाटा बनाएगा, आगे देखते हैं। अब अलैंगिक प्रजनन की दो बातें, हानि म्हणजे नुकसान, लाभ म्हणजे फायदा। तो नुकसान म्हणजे तोटा आणि नफा फायदा। इसका अलैंगिक प्रजनन की जो हानि है, इसमें नुकसान क्या है, जननिक विचरण का अभाव। जननिक विचरणाचा अभाव मतलब अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि एक सजीव है जो दूसरा सजीव बनेगा वो पूरी तरह उसी सजीव जैसा दिखेगा, थोड़ा भी अलग रहेगा नहीं। तो ये उसका नुकसान है, ये अभाव है कि इस प्रजनन में क्या होता है, या प्रजननामध्ये जब जेव्हा एक सजीव दुसऱ्या सजीवाची निर्मिती करतो तो दूसरा सजीव त्या पहिल्या सजीवापेक्षा तंतोतंत जुड़तो, थोड़ा भी अलग दिखता नहीं। हम लोग में कैसे, हमारे पापा हम लोग सेम सेम नहीं दिखते, अलग अलग दिखते। तो ये ऐसा उसमें नहीं पाया जाता, इसलिए वो उसका नुकसान है, हाथ तोटा है। नफा फायदा क्या है कि ये जो प्रजनन है
फार वेगा ने हो तो बहुत फटाफट होता है, इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उत्पादन बहुत तेजी से होता है। तीव्र गति से होने वाला प्रजनन, हाँ जलद गति ने, तीव्र गति मतलब जलद गति ने झालेले प्रजनन, मतलब इसमें प्रजनन की जो गति है बहुत ज़्यादा तेज है। ठीक है, तो ये बेसिक था। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दे एग्जाम में पूछते हैं, एक पेशीय सजीवामधील अलैंगिक प्रजनन। लक्षात ठेवा, एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन, एक पेशीय और अलैंगिक, ये दो वर्ड में फोकस करना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें अलग अलग प्रजनन होता है, द्विविभाजन, बहुविभाजन, ऐसे एक एक करके हमें देखना है। तो सबसे पहले पहला प्रजनन है जो, वो द्विविभाजन है। द्विविभाजन मतलब इस प्रजनन में सजीव के दो भाग में क्या होता है, निर्माण होता है, दो भाग में उसके दो भाग होते हैं। जहाँ प्रजननामध्ये सजीवाची क्या होता है, दोन भागामध्ये रूपांतरण होतात, अशाला म्हणतात द्विविभाजन। ठीक है, द्वि मतलब दो, विभाजन मतलब दो भागों में बटना। अब इस विभाजन के साथ है, मान लो अब द्विविभाजन के भी प्रकार है। पहला है साधारण विभाजन, साधारण द्विविभाजन, क्षैतिज द्विविभाजन और ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन। ये हिंदी में हो गया, मराठी में साधे द्विविभाजन, आड़वे द्विविभाजन आणि उभे द्विविभाजन। अब तुम्हें प्रश्न पूछेंगे कि साधारण किंवा साधे द्विविभाजन कशामध्ये होते, कोणत्या सजीवामध्ये, अमीबा, ये उसका उदाहरण है। किसमें होता है, अमीबा में। अब जैसे अमीबा होता है, ये अमीबा ऐसा होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, तो कहीं से भी कट सकता है, ऐसे 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 ऐसे, तो कहीं से भी उसके टुकड़े हो सकते हैं। पैरामेशियम देखा होगा तुमने, पैरागोन का चप्पल। अब इसमें कैसा था, आड़वे मतलब वो ऐसा कटता है, यहां से वो अलग हो जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब उभे, युगलीना, मान लो ऐसा है तो वो ऊपर से कटता है, ऐसा दो टुकड़े हो जाते हैं अलग अलग। समझ में आया, अमीबा में कहीं से भी कटता है, पैरामेशियम में आड़वे मतलब ऐसे क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से ऐसे। ठीक है, ये तो कैसे भी, ये ऐसे और वो ऊपर से ऐसे। तो ये था द्विविभाजन। ठीक है, ठीक है, तो ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, इसका जो आकृति है, इसकी आकृति, इसकी और इसकी, ये तीनों की आकृति तुम्हें क्या करनी है, बनानी है, और उसकी फ़ोटो मुझे सेंड करनी है होमवर्क के तौर पे। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा आज का, ये पढ़ना है, इसको याद करना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रिकाम्या जागा भरा, चुक्की बरोबर किंवा गटात न बसणारा शब्द अशामध्ये विचारतात ते, तर तुम्हाला काय करायची, याची आकृती काढायची। तुम्ही द्विविभाजन मैंने लिख के दे दिया है, किसमें कौन सा विभाजन होता है, लिखना कुछ नहीं है, बस यही याद करना है, और इसकी आकृति, इसकी आकृति और इसकी आकृति क्या करनी तुम्हें निकालनी है। ठीक है, तो ये आज का स्टार्टिंग इसका टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बहुविभाजन, जो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रहेगा बहुविभाजन का।